इन्हीं अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। इसमें जो सॉल्यूशन का जो मेन लास्ट हम लोग फॉर्मूला से सीखेंगे वो हम लोग कौन कौन सा सीखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ इट्रेशन, ये पहला है। दूसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड। और थर्ड है बाइसेक्शन मेथड। और नेक्स्ट है रेगुला फॉल्सी मेथड, ठीक है। ये चीज़ है, अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को। ये आपका दिया हुआ है आपका, सो मेथड ऑफ आइट्रेशन, न्यूटन रैप्सन, और आपका है बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन होता है क्या उसको हम लोग समझेंगे। अगर कोई इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a0 x^n a1 x^n-1 a2 x^n-2 प्लस a3 x^n-3 प्लस a4 x^n-4 प्लस c आपका, ठीक है। ये चीज़ है, लास्ट में प्लस लिखेंगे, प्लस an इक्वल टू ज़ीरो, वेयर a0 इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0, एंड a1 a2 .an आर कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे, कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ऑफ डिग्री क्या होगा आपका, एन होगा, ठीक है। ये चीज़ है, अब यहाँ से देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं क्या, a0 x^n प्लस a1 x^n-1 प्लस a2 x^n-2 सो ऑन प्लस क्या an, ये आपका एक कोई फंक्शन है आपका, मतलब कोई अलजेब्रिक इक्वेशन। अब यहाँ से कोई ऐसा वैल्यू जो इसको हम लोग क्या करें, इसको सेटिस्फाई करें, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखती है, x0 लिए, और ये आपका अगर x0 0 दे देता है तो हम लोग कहेंगे एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, x0 इज ये सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। इसी को कहेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू x0 कह सकते हैं, रूट्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे हम एक फंक्शन माई कोई पॉलीनोमियल कोई अलजेब्रिक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे x²-2x+ क्या है, वो ये आपको एक फंक्शन। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, यहाँ पे 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1²-2 × 1, तो क्या होगा 1-2+1 = 1 - 2 - 2 = क्या होगा 0। इसका मतलब x = 1 इज ये सॉल्यूशन ऑफ क्या है आपका, fx। तो 1 by 1 करके हम लोग सारे का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। एक आपका जो है पहले मेथड ऑफ आइट्रेशन सीखेंगे, फिर न्यूटन रैप्सन, बाइसेक्शन, फिर रेगुलर फॉल्सी। मेथड ऑफ क्या है, आइट्रेशन, ठीक है। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूट को निकालेंगे। तो देखें यहाँ पे, टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं fx इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट
we rewrite in the form of क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 5x, ठीक है। हम लोग इस इक्वेशन को x इक्वल टू 5x के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं उसको वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखेंगे कि आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका एक्स क्यूब प्लस क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे उस चीज़ को आप समझें, ठीक है। ये आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ को समझें, पहले हम लोग एक्स क्यूब को लिखते हैं, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा आपका 1 माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर क्या होगा 1/3, ये पहला आ गया। फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ये आपका पहला आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यूब। सो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स क्यूब का होल टू दी पावर क्या होगा 1/2, ये भी आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट केस्ट में अगर आप देखें, ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया आपका। नेक्स्ट केस में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक्स के फॉर्म, एक्स का ये आपका हो गया क्या, ये हम लोग इस फॉर्म में ले आए हम लोग, अब हम लोग एक्स क्यू एक्स स्क्वायर हो गया, हम लोग एक्स के फॉर्म में भी लिख ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखें, यहाँ पे जैसे इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा हम लोग का एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल टू दी पावर क्या होगा आपका माइनस। तो यहाँ भी आपका इस फॉर्म में आपका नहीं होगा आपका 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा आपका। तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, इसको ऐसा लिखें एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर कितना होगा माइनस 1। सो एक्स इक्वल टू होगा आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना होगा माइनस 1/2, ये आपका वैल्यू आपका आएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा आपका एक्स इक्वल टू, ये आपका आएगा 1 प्लस एक्स पे। तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू जो हम लोग लिखे हैं, देखें 5x, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में इसको हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में लिखें, क्या क्या लिखें देख लें आप, यहाँ पे पहला लिखें 1 प्लस एक्स की पावर कितना है आपका माइनस 1/2, फिर लिखें क्या एक्स इक्वल टू क्या है हम लोग का 1 माइनस एक्स क्यूब का टू दी पावर कितना आपका 1/2, फिर हम लोग क्या लिखे हैं एक्स इक्वल टू क्या लिखे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 1/3, ये सारा वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस फॉर्म से हम लोग बना सकते हैं। जो भी हम लोग का ये वैल्यू आएगा हम लोग का पूरा ये आपका क्या होगा लेस देन 1, ये आपका कन्वर्जेंस पे आएगा, ठीक है। ये आपका जो वैल्यू आएगा आपका वो जो होगा आपका कन्वर्जेंस आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका जो है क्या आएगा कन्वर्जेंस आएगा, और ये कैसा कन्वर्जेंस होगा लीनियर कन्वर्जेंस होगा आपका लीनियर कन्वर्जेंस। ये देख लें आप, सपोज लेट एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स जीरो, ये क्या आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ये आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। जब इसका अगला अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका एक्स वन इक्वल टू क्या होगा 5x0, फिर एक्स टू अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 5x1, फिर एक्स थ्री अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5x2, तो ये आपका सो ऑन, यहाँ पे अगर एक्स एन निकालेंगे तो क्या होगा आपका 5xn-1, ये आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह करके हम लोग इसका क्या कर सकते हैं वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, आपका एक्स एन इक्वल टू क्या होगा 5xn-1 होगा आपका। इस तरह करके हम लोग का जो होगा वैल्यू इसका आ जाएगा सारा, और इसका जो उसमें यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा वो वैल्यू आपका हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन आप होगा इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा 1 होगा आपका। यहाँ पे कुछ और भी याद रखेंगे, जो यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू जो अल्फा होगा आप लिखेंगे सिक्वेंस इज कन्वर्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा यहाँ पे रूट है, जो भी उसका रूट्स निकलेगा उसमें क्या होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा आपका वो कैसा होगा, टाइप ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा आपका इज लीनियर, ये कन्वर्जेंस का जो टाइप होगा वो कैसा होगा आपका लीनियर होगा, ठीक है। इसके अलावे जो है द रेट ऑफ कन्वर्जेंस
the rate of convergence is more if f dash x is smaller. ठीक है, अभी f dash x is smaller. ये अगर smaller होगा तो rate of convergence क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा. ठीक है, ये चीज़ आप क्या यूजिंग method of iterations, यूजिंग method of iterations convert the equation, convert the equation x cube plus x square minus 1 equal to 0 into x equal to क्या आपका phi n phi x. ठीक है, assuming initial approximation of root is x not equal to 0.80. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप बनाएंगे. इसमें आपको लिखा हुआ यूजिंग द मेथड ऑफ इटरेशंस कन्वर्ट द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो इंटू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स एंड एज्यूमिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज क्या है. यहाँ पे आपको यह इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है. हम इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको हम बता चुके हैं ये. ठीक है, ये हम कैसे कन्वर्ट किया था हम बता चुके हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ. देखें यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो है आपका कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस क्या है एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या आपका जीरो है. ठीक है, यहाँ से आप जो है अगर एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू. हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यू लिखते हैं और ये आपका क्या होगा वन माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर. सो एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर क्या होगा आपका वन बाई थ्री, ये आपका आ जाएगा. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x को हम लोग आपको पता होगा x इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग फाइव डैश एक्स लेते हैं. तो ये आपका आ जाएगा क्या फाइव डैश क्या आ जाएगा आपको x आ जाएगा. ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर थ्री. अब इसका हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब एफ डैश एक्स. तो पता होगा ये क्या होगा आपका एन एक्स एन माइनस वन होगा वो एन एक्स एन माइनस वन तो वन बाई थ्री माइनस वन होगा माइनस टू बाई क्या होगा आपका थ्री होगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका माइनस टू एक्स हो जाएगा ये आ जाएगा आपका. तो ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा ये क्या आएगा फाइव डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस टू एक्स बाई थ्री और ये आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर का टू द पावर माइनस टू बाई थ्री. अब यहाँ पे इसका वैल्यू को फुट करेंगे. ठीक है, इसका जो वैल्यू हम लोग देखेंगे इसका क्या आएगा एक्स का वैल्यू हम लोग फुट करेंगे 0.80 और हम लोग देखेंगे वो वैल्यू अगर हम लोग का लेस देन आ रहा है तो हम लोग का वो रूट को अप्रोच करेगा अदरवाइज रूट को अप्रोच नहीं करेगा. ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे. तो यहाँ से हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग फाइव डैश एक्स का हम लोग क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे. फाइव डैश एक्स का हम लोग क्या करेंगे फाइव डैश एक्स का हम लोग मॉडुलस निकालेंगे. ये मॉडुलस हो गया आपका, ये क्या आ जाएगा आपका मॉडुलस निकालेंगे क्या होगा आपका माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा टू एक्स बाई क्या होगा आपका थ्री और ये आपका होगा वन माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना होगा माइनस टू बाई क्या होगा आपका थ्री, ये आ जाएगा. अब यहाँ से आप एक्स का वैल्यू कितना बैठाएंगे एक्स का वैल्यू एक्स नॉट का वैल्यू आप बैठाएंगे कितना 0.80 फुट कर देंगे. यहाँ जब इसको फुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना टू इंटू क्या आ जाएगा आपका टू इंटू 0.80 बाई क्या होगा आपका थ्री मारी आपका होगा वन माइनस क्या होगा आपका 0.80 का होगा स्क्वायर और ये आपका होगा आपका माइनस टू बाई क्या होगा आपका थ्री हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका फाइव डैश एक्स का जो मॉडुलस निकलेगा आपका. ठीक है, मॉडुलस निकलेगा फाइव डैश एक्स का, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा ग्रेटर देन वन आ जाएगा. ठीक है, हमको चाहिए है लेस देन वन. तो ये आपका वैल्यू, तो इससे हम लोग का रूट सो पॉसिबल नहीं है. नंबर टू हम लोग देखेंगे, हम दूसरे तरह से हम लोग इसको तोड़ते हैं इसको. तो देखिए अगला मेथड जो तोड़ने का क्या होगा हम लोग का, इसमें हम लोग एक्स क्यू लिए था अब एक्स स्क्वायर लेते हैं. यहाँ पे होगा आपका क्या एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या है जीरो. अब हम लोग एक्स स्क्वायर लेते हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस क्या होगा आपका एक्स क्यू
सो एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका वन माइनस क्या होगा आपका एक्स क्यूब का होल टू द पावर क्या होगा वन बाई टू हो जाएगा। तो वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ये आपका क्या होगा वन बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या है आपका एन एक्स एन माइनस वन, तो वन माइनस एक्स क्यूब ये आपका एन माइनस वन तो माइनस वन टू, और ये क्या होगा आपका माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर। अब इसका मॉडुलस निकालें, इसका मॉडुलस निकालें यानी अब इसका वैल्यू निकालें क्या आ जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वन बाई टू रूट अंडर क्या होगा आपका वन माइनस क्या होगा एक्स क्यूब, ठीक है, और ये इंटू क्या होगा आपका इंटू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर डेस एक्स। एक्स इक्वल टू क्या करेंगे 0.8 जो पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता होगा एक ग्रेटर देन क्या होगा आपका वन आएगा, ठीक है, इसका एवेस्टेड वैल्यू। फिर ये तो पॉसिबल नहीं है, आप नंबर तीसरा लेंगे, ठीक है, नंबर तीसरा में आपका एक्स ये आपका दिया हुआ है, नंबर तीसरा हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस क्या होगा एक्स इक्वल टू वन, तो ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा ये, तो वन प्लस एक्स की पावर कितना होगा माइनस वन, सो एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका वन प्लस एक्स की पावर कितना होगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये आपका क्या होगा फाइव एस एक्स इक्वल टू होगा आपका वन प्लस एक्स की पावर क्या होगा माइनस वन बाई टू। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है, जब x का वैल्यू पुट करेंगे फाइव एस एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे आप इसको डिफरेंशिएशन कर लें आप इसका आप डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस एन एक्स एन माइनस वन, तो वन प्लस एक्स की पावर कितना होगा माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो अब जब इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ये क्या आ जाएगा हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे इसका तो ये क्या आएगा आपका वन बाई टू, और ये क्या आ जाएगा आपका वन प्लस एक्स की पावर कितना होगा आपका वन प्लस एक्स की पावर कितना होगा माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, माइनस थ्री बाई टू। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप 0.80 बैठाएंगे, ठीक है, जैसे इसका 0.80 बैठाएंगे आपका ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका वो क्या होगा इसका लेस देन क्या होगा आपका वन होगा, ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा आपका वन होगा, इसलिए रिक्वायर्ड फॉर्म क्या होने वाला आपका देखिए इसी यही हमको फॉर्म निकालना था, रिक्वायर्ड फॉर्म एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका फाइव एक्स, ये फाइव एक्स का वैल्यू कितना आपका यानी एक्स इक्वल टू कितना आपका होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा वन प्लस क्या होगा एक्स का होल टू दी पावर क्या होगा आपका माइनस वन बाई टू, ये इसका आपका आंसर। प्रिंसिपल दैट द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज क्या आपका कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल आपका क्या ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर द अपोजिट साइन देन देर एग्जिस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, आपको जो है ए और बी में क्या करना पड़ेगा एक रूट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो दोनों का ऐसा होगा कि एक का दोनों का साइन क्या, सबसे पहले तो फंक्शन क्या होगा आपका वो क्या होगा आपका वो जो इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल उसमें आपको कंटिन्यूस मिलेगा, ठीक है, इसके बाद जो एफ पी और एफ पी का जो होगा साइन क्या होगा आपका अपोजिट मिलेगा एफ और एफ बी आर द अपोजिट साइन देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, जिसमें क्या होगा ए और बी के बीच एक रूट निकलेगा, ठीक है, मान लेते फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर लिए हम लोग एक्स वन इक्वल टू क्या ले लिया हम लोग ए प्लस बी बाई टू, इफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या होगा जीरो देन एक्स वन इज द रूट ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे जो एक्स वन होगा वो क्या होगा रूट ऑफ एफ एक्स होगा, अदरवाइज द रूट लाइज बिटवीन ए एंड एक्स वन, अदरवाइज क्या होगा रूट क्या होगा ए और एक्स के बीच लाई करेगा, ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे फिर जैसे कि मान लेते हैं ये क्लोज इंटरवल है ए और बी, अब हम लोग का यहाँ पे जो फंक्शन का जो वैल्यू निकालेंगे आप उस फंक्शन का वैल्यू में आप लोग क्या करेंगे ये वैल्यू देखेंगे ए और आपका क्या देखेंगे बी देखेंगे, अगर इसमें जो वैल्यू आपका जो है एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आया फिर एफ ऑफ बी का वैल्यू नेगेटिव आया तब तो हम लोग इसको एक्स वन के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे ए प्लस बी बाई टू को करेंगे, इस तरह करके कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है, इस तरह करके कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा जब तब तक चलते रहेगा जितना डिजिट तक आपको चाहिए जब तक वो डिज़ायर रूट न मिल जाए, ठीक है, तब तक उस प्रोसेस को आपको चलते रहेगा, आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बाइसेक्शन मेथड का, आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो बाइसेक्शन मेथड जो होगा रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है इसका वो हमेशा रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा इसका वो वन बाई टू होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस मतलब बहुत स्लो होता है ये, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है इसका मतलब वन बाई टू मतलब वो वन बाई टू की स्पीड से वो क्या करेगा वो अपने रूट की तरफ हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का क्या होगा वन बाई टू, और ये जो कन्वर्जेंस जो है इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपका बहुत स्लो है ये, ठीक है, ये आपका बहुत स्लो है रेट ऑफ कन्वर्जेंस
ये क्या आपका है स्लो है, ठीक है, ये आपका ये याद रहे रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा आपका स्लो होगा। और इसके साथ इसके एक फ़ायदा ये भी है कि इसका जो कन्वर्ज ये जो रेट ऑफ ये जो कन्वर्जेंस होगा एकदम ग्रांटेड होता है, मतलब ये आपको स्लो है लेकिन आपको ये 100% ये आपको कन्वर्जेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मतलब आपको रूट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ होता है आपका इसमें।